हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल किमी एंड सन्स। मेरा बड़ा बाबू अयांश अभी स्कूल गया हुआ है, 12 बजे आएगा। तो अभी थोड़ा टाइम मिल गया है तो सोच रही थी कि मैं बना लेती हूँ वीडियो। छोटा बाबू सो रहा है, नहीं तो टाइम नहीं मिल पाता है। मैं सोचती हूँ कि मैं डेली वीडियो डालूँ लेकिन टाइम नहीं मिल पाता है। और छोटा बाबू का भी तबीयत ख़राब था, उसका दांत निकल रहा था तो इधर भी जितना वीडियो नहीं डाल रही थी। लेकिन अब सोच रही हूँ कि अब डालूँगी रेगुलर, डेली एक वीडियो डालने के लिए टाइम निकालूँगी। देखते हैं क्या होता है कि दो दो बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल है, और ऊपर से छोटा बच्चा भी है मेरा, एक छोटा बेबी, छोटा बाबू, जो कि अभी मतलब 7-8 महीने का हो गया, लेकिन फिर भी अभी अच्छे से खाता पीता नहीं है। और यहाँ से स्कूल जाने लगा तो उसमें भी थोड़ा सा सुबह में जल्दी जल्दी उसको स्कूल छोड़ना, फिर जाकर 12 बजे तक लेकर आना उसको घर पर, काम थोड़ा बढ़ गया है। लेकिन कोई नहीं, मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपना रेगुलर बेसिस पर वीडियो डालूँ, डेली एक ब्लॉग कम से कम डालने के लिए मैं कोशिश। अभी हम लोग गाँव नहीं हैं, इसके पापा का ट्रांसफ़र हो गया था तो हम यहाँ पर, हम लोग को साथ में अपने लेकर आ गए हैं तो यहीं पर हम लोग रह रहे हैं कुछ दिन से, लगभग 1.5 महीने से। यहाँ पर भी अच्छा लग रहा है रहने में। एक फ्लैट हम लोग लिए हैं 1 BHK का, बहुत अच्छा है फ्लैट भी। रुकिए, मैं आप लोगों को कुछ कुछ दिखा रही हूँ। अभी मैं सीढ़ी पर खड़ी थी तो अच्छा फ्लैट है, अच्छा लगता है यहाँ रहने में। छत पे तो इतना तेज धूप किया है कि कुछ कहने लायक नहीं है। आप लोगों को दिखा रही हूँ, देखिए दोस्तों, ये एक छोटा सा मेरा फ्रिज आया है, एकदम क्यूट सा है, बहुत प्यारा है। क्योंकि हम लोग का छोटा फैमिली है तो इसके पापा बोले कि छोटा ही सा फ्रिज ठीक रहेगा तो लिए हैं, अच्छा है। हम लोग घूमने गए थे 2 दिन, बहुत अच्छा लगा घूम के। देवघर, फिर से तारापीठ मंदिर जो कि वेस्ट बंगाल में है, वहाँ का भी मैं वीडियो बना के डाली हूँ, आप लोग देख लीजिएगा, आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा, घूमने लायक है। और एक कौन सा मंदिर था, एक मंदिर था वासुकी नाथ मंदिर, वहाँ का भी मान्यता है कि जैसे कि जो लोग देवघर जाते हैं तो कहा जाता है कि देवघर से अगर आप वहाँ दर्शन नहीं किए तो जो आपका दर्शन है वो अधूरा रह गया, मतलब पूरा नहीं हो पाया। कल मेरे बाबू का जन्मदिन है, बर्थडे है, तो वो बहुत काफ़ी खुश है और हम लोग भी खुश हैं, क्योंकि वो हर साल इस दिन का इंतज़ार करता है और पूछता रहता है कि माँ मेरा बर्थडे कब आएगा कब आएगा। तो वो दिन आ ही गया, वो दिन कल है। और जो भी मतलब छोटा मोटा जो भी जैसा भी होगा, अभी कुछ प्लान नहीं हुआ है, लेकिन जो भी होगा मैं उसका वीडियो बनाऊंगी और डालूंगी और आप लोग देखिएगा, आप लोग को अच्छा लगेगा। छोटा बाबू मेरा सो रहा है, अभी जग जाता है तो हमको कुछ नहीं करने देता है, उसको ले लेकर सब काम करना पड़ता है, तो अभी थोड़ा मैं फ्री हूँ। मैं जहाँ भी जाती हूँ शादी में, चाहे कहीं घूमने जाती हूँ, तो वहाँ का वीडियो तो बनाकर मैं डालती हूँ। घर पर टाइम नहीं मिल पाता है, लेकिन अब हम सोच रहे हैं कि अब तो डालेंगे हम वीडियो, क्योंकि अब बाबू, छोटा बाबू भी बड़ा हो रहा है और बड़ा बाबू अब स्कूल चल जाएगा डेली, नहीं तो वो भी रहता है तो दिन भर कुछ ना कुछ बदमाशी इधर से उधर करते रहता है, हमको टाइम नहीं मिल पाता है। लेकिन अब टाइम निकाल के अब डेली एक ब्लॉग बनाकर मैं डालने वाली हूँ, आप लोग देखिएगा, सपोर्ट करिए और मेरे वीडियो को देखिए आप। और अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, बाय बाय।